हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्टेरिलिटी इंडिकेटर। सो दिस प्रेजेंटेशन वुड बी कवर अबाउट व्हाई स्टेरिलिटी इंडिकेटर इज इम्पॉर्टेंट एंड विच मेथड यूज टू आइडेंटिफाई क्वालिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन। बेसिकली स्टेरिलिटी या कोई भी इंडिकेटर से आप क्या समझते हैं? इंडिकेटर मतलब कोई भी चीज़ जो इंडिकेट करती है हमारे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। सेम उसी तरीके से जो हमने स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया है, जैसे ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, हमने जो प्रोसेस किया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, या उसकी क्वालिटी को ऑप्टिमाइज करने के लिए जिस सिग्निफिकेंस की नीड होती है उसी को हम स्टेरिलिटी इंडिकेटर कहते हैं। लेट्स सी, स्टेरिलिटी इंडिकेटर आर द इंडिकेटर दैट आर यूज फॉर चेक द क्वालिटी ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इट मे बी आल्सो रिक्वायर्ड टू चेक वेदर माइक्रोबियल ग्रोथ अकर और नॉट इन टर्म्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्वालिटी एंड प्रोसेस नोन एज स्टेरिलिटी इंडिकेटर। बेसिकली स्टेरिलिटी इंडिकेटर देर आर थ्री टाइप्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जैसा कि फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में हमने टेम्परेचर को मेज़र किया था, उसी तरीके से यहाँ भी फिजिकल इंडिकेटर में भी हम टेम्परेचर को डिनोट करेंगे। एंड फिजिकल इंडिकेटर में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। ड्राई हीट की बात करें तो हमारे पास एक टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट होता है जो कि एक आइडियल चार्ट है, जिसे मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड कहते हैं। इसको कंपेयर करते हैं बीपीआर से, और बीपीआर मेंटेन करने के लिए हम थर्मोकपल का यूज़ करते हैं जो कि एक टाइम इंटरवल पे हमें टेम्परेचर की रीडिंग बताते हैं। बीपीआर को हम बैच प्रोसेस रिकॉर्ड कहते हैं जो कि हम खुद मेंटेन करते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं हमारे एमपीआर से, मास्टर प्रोसेस रिकॉर्ड से, और उसके बाद हम स्टेरिलाइजेशन एक्सटेंट का पता करते हैं। सेम उसी तरीके से मॉइस्ट हीट में भी होता है, बीपीआर हम मेंटेन करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे एमपीआर से। अब बात करें गैसियस स्टेरिलाइजेशन की, तो गैसियस स्टेरिलाइजेशन में भी टेम्परेचर रिकॉर्डिंग चार्ट मेंटेन करते हैं। हमारे पास एक हीट सेंसिटिव प्रोब होते हैं जो मटेरियल के बीच में प्लेस कर देते हैं, जो कि एक टाइम इंटरवल पे हमें टेम्परेचर की रीडिंग देते हैं। अगर गैसियस स्टेरिलाइजेशन में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मटेरियल गैस को एब्जॉर्ब करती है, एंड देन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन साइकिल मटेरियल गैस रिलीज करती है, तो उससे हम पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतने परसेंटेज गैस एब्जॉर्ब हुई तो हमारा स्टेरिलाइजेशन एक्सटेंट इतना हुआ। एंड देन हम परफॉर्म करेंगे गैस लीक टेस्ट। अब बात करते हैं रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन की। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि जब भी हम मटेरियल पे रेडिएशन एक्सपोजर कराते हैं तो मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है, और हमारे पास एक डोजी मीटर, प्लास्टिक के डोजी मीटर होता है, और उसके अंदर फॉस्फर के क्रिस्टल होते हैं, जिसके अंदर फॉस्फर के क्रिस्टल होते हैं, और उसकी टेंडेंसी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने की। एंड देन आफ्टर स्टेरिलाइजेशन साइकिल ये डोजी मीटर फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने लगते हैं। जैसे ही उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं तो उससे हम पता करते हैं कि इतने परसेंटेज रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ होगा, तो हमारी स्टेरिलाइजेशन एक्सटेंट इतने परसेंटेज कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन में हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के पोर साइज़ को मेज़र करते हैं। फ़िल्टर पेपर को हमने एक फ्लूइड में सोक्ड कराया। आफ्टर सोकिंग हम क्या करते हैं कि प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो जो भी फ्लूइड की इंटेंसिटी होती है उस इंटेंसिटी को हम मेज़र कर लेते हैं, और इससे हम पोर साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू।